हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन रामनीर क्लासेस। कक्षा 8वीं की गणित की वर्कशीट आई है। आज की दिनांक है 25 अगस्त 2021 या 24 लिखिए, आप इसको 25 समझेंगे। अध्याय है एक चर वाले रैखिक समीकरण और इसका आज का टॉपिक है एक चर वाले रैखिक समीकरण। वो जो कल टॉपिक आया था वही सेम टॉपिक है और उसी टाइप के कुछ सवाल आए हुए हैं। 5 सवाल हैं, 5 सवालों के हल मैं आपके सामने लेके आई हूँ। तो देखिएगा, 5 सवाल के हल अपन देखेंगे। पांचों सवाल एक चर वाले रैखिक समीकरण से हैं। तो पहला सवाल है, दो संख्याओं का योग 110 है, यदि एक संख्या दूसरी से 20 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दूसरी है, तीन लगातार पूर्णांकों का योग 81 है, पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तीसरा सवाल है, तीन लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 5, 6 और 7 से गुणा करके योग करने पर योगफल 380 प्राप्त होता है, तो तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। चौथा है, 5 के 3 लगातार गुणजों का योग 30 है, तो इन गुणजों को ज्ञात कीजिए। पांचवा है, अगर आपको किसी संख्या से 5 घटाने और परिणाम को 5 से गुणा करने पर 25 प्राप्त होता है तो वो संख्या ज्ञात करनी है। तो एक गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इन पांचों प्रश्नों के सवालों के हल अभी देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या एक है, माना कि एक संख्या x है, ये हमने हल लिखा है, इस हल को अब ध्यान से देखिएगा। प्रश्न फिर से देखिए, दो संख्याएं थी जिनका योग 110 था और एक संख्या दूसरी से 20 अधिक है, ठीक है। तो हम सबसे पहले संख्या को x मानेंगे, दूसरी संख्या को क्या मानेंगे, योग 20 अधिक है यानी कि प्लस 20 करेंगे, तो x प्लस 20। प्रश्न क्या कह रहा है, तो x प्लस 20 बराबर 110, दोनों का योग 110 है, तो यह हो जाएगा 2x प्लस 20 बराबर 110, 2x बराबर 110 माइनस 120। देखिए जो 20 है प्लस का वो यहाँ जाएगा तो पक्ष चेंज होते ही वो माइनस में आ जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 90, x बराबर हो जाएगा 45। कैसे, 90/2 किया है यहाँ पर मैंने, x बराबर 90/2 किया है तो ये 45 आ गया है। तो अब संख्या क्या हो जाएंगी, 45 और 45 प्लस 20 बराबर 65, तो दोनों संख्या होंगी 1 45 1 65, दोनों का योग करिए तो 110 आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तीन लगातार पूर्णांकों का योग 81 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। माना कि तीन लगातार संख्याएं पूर्णांक लगातार थे यानी कि एक एक का अंतर होगा, तो एक पहला होगा x, दूसरा x प्लस 1 तो और x प्लस 2। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि तीन का योग यानी कि तीनों को जोड़ लेंगे, x x प्लस 1 x प्लस 2 को जोड़ेंगे तो 81 आएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 बराबर 81, 3x बराबर 81 माइनस 3। माइनस क्यों हुआ, तो क्या 3 प्लस में था, पक्ष चेंज होते हुए माइनस में चला गया, तो 3x बराबर 78 हो जाएगा, x बराबर 78/3 बराबर 26 हो जाएगा। तो x का मान 26 आ गया यानी कि पहली संख्या 26 आएगी, दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस 1 यानी 26 प्लस 1 27 और x प्लस 2 26 प्लस 2 28, तो ये संख्या आ जाएंगी 26 27 और 28, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न था, तीन लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम से लेकर उन्हें 5, 6, 7 से गुणा करके योग करने पर योगफल 380 प्राप्त होता है, तो उन्हें ज्ञात करते हैं। चलो देखते हैं तीसरा सवाल का हल। तो माना कि तीन लगातार पूर्णांक x x प्लस 1 और x प्लस 2 हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि पहले को तो 5 से गुणा करेंगे, दूसरे को 6 से और तीसरे को 7 से, तो आप इस प्रकार इसको लिख दीजिए, 5 × x + 6 × x + 1 + 7 × x + 2 = 380। 5x + 6x + 6 + 7x + 14, 14 कैसे होगा, देखिए 7 × 2 = 14 हो गया, 380 हो गया। अब एक्स एक्स को जोड़ लीजिए तो 18x प्लस संख्या को जोड़ेंगे 14 और 6 = 20, तो 18x + 20 = 380, 18x = 380 - 20, 18x = 360 हो जाएगा, x = 360/18, क्योंकि x में या 18 गुणे में है तो यहाँ चलेगा दूसरे पक्ष में भाग में हो जाएगा, तो x = 20 आ जाएगा। अब देखिए संख्या हो जाएंगी 20 21 22, क्योंकि x x + 1 x + 2 किया था। तो इस प्रकार आपको सवाल लिखना है, ढंग से लिखिएगा, लिखने के तरीके का बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको मैंने बताया था ना, बच्चों के नंबर पूरे नहीं आ पाते हैं, उन्हें आता है, हल करने भी आता है, लेकिन उन्हें लिखने नहीं आता कि तरीका क्या लिखना है। तो इसी तरीके से आप सवालों को लिखिए, साफ़ सफाई से काम कीजिए तो परीक्षा में पूरे नंबर आते हैं। देखिए चौथा प्रश्न, 5 के 3 लगातार गुणजों का योग 30 है, गुणजों को ज्ञात कीजिए। तो जैसे कल ऐसा प्रश्न आया था जिसमें 10 के गुणज पूछे थे, आज 5 के पूछ लिए, तो उसी प्रकार करेंगे। माना कि पहला गुणज x है, दूसरा हो जाएगा x + 5, तीसरा हो जाएगा x + 10, ठीक है, क्योंकि 5 5 का अंतर है। अब प्रश्न क्या कहता है, x + x + 5 + x + 10 = 30, 3x + 15 15 कैसे, 10 और 5 जोड़ेंगे = 30, 3x = 30 - 15, 3x = 15 और x = 15/3/5। अब x का मान 5 आ गया तो पहला गुणज तो 5 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 5 + 5 = 10, तीसरा हो जाएगा 5 + 10 = 15। तो ये था चौथा सवाल, ठीक है, सही सही हल किए मैंने, इसमें कोई कमी नहीं है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
और दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनकी हेल्प हो सके। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। और देखिए, अगर जो लोग डिसलाइक करते हैं तो अपने ही डिसलाइक का कारण बताएं ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं, जिससे आप भी लाइक करने लगे। देखिए, अगला प्रश्न है, अगर आपको किसी संख्या से 5 घटाने और परिणाम को 5 से गुणा करने पर 25 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। सवाल करते हैं पाँचवा। देखिए, हल मैंने लिख रखा है, तो माना कि वह संख्या एक्स है। अब 5 घटाएंगे और फिर परिणाम को 5 से गुणा करेंगे, यानी कि एक्स में से हमने 5 घटाया फिर उसको 5 से गुणा किया, तो x माइनस 5 गुणा 5 करेंगे तो 25 प्राप्त हुआ। तो x माइनस 5 क्या हो गया, 25 बटे 5, क्योंकि 5 से गुणा कर रहे हैं, गुणा यहाँ जाएगा तो भाग हो जाएगा। x माइनस 5 बराबर 5 और x बराबर हो जाएगा 5 प्लस 5, यानी कि माइनस का 5 इधर जाएगा 5 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 10। तो वांछित संख्या 10 है, ठीक है। तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, फिर 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25, यानी कि हमारी ये उत्तर बिल्कुल ही सही है। तो ये 5 प्रश्न थे, 5ों प्रश्नों के हल मैंने आपके सामने बता दिए। नेक्स्ट वर्कशीट के लिए बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।